हेलो एंड शालोम एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लाइव सेशन आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है, आपके लिए ब्लेसड होने वाला है। और आज मैं आपके साथ एक पजल को भी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं आज के एक पजल को सॉल्व करने के लिए जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये लाइव सेशन आपके लिए बहुत सारी बरकत लेकर आने वाला है। चिंटू जी, अभिषेक जी, पन्नू जी, हाया सिंथिया जी, रोजी जी, मैरी जी, किरण मैसी जी, लियो जी, हागेस जी, सोनू कुमार जी, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और वंस अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट दिस सेशन इज इमेंसली गोइंग टू ब्लेस यू। आज बहुत सारे लोगों को हिला देने वाला मैसेज है ये, क्योंकि आज जब मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लोगों से बात करूं, क्या ऐसी बात है जो आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सो परमेश्वर ने बहुत क्लियरली मेरे साथ इस बात को शेयर किया और प्रभु ने मेरे मन में डाला जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द पजल, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। चले, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास ये एक प्लेन पेपर है, देखें, दिस इज अ प्लेन पेपर। तो इस प्लेन पेपर को अगर मैं आपको बोलूं, नाउ पजल स्टार्ट्स हियर, कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्लेन पेपर के ऊपर आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करना है या आपको कुछ ऐसी फिगर्स बनानी है या लाइंस बनानी है जिसके साथ ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो आपने वो करना है। बट शर्त ये है कि आपको अपना पेन इस पेपर से उठाना नहीं है। ओके, मैं आपको दोबारा से ये पजल को देती हूँ कि ये प्लेन पीस ऑफ पेपर है और इसके ऊपर आपको इस पेपर को 7 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको 7 से कम फिगर्स बनानी है, यानी 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, उससे कम फिगर्स, कम चीजें आपको ड्रॉ करनी है जो भी आप फिगर इस पर ड्रॉ करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि आपको अपना पेन नहीं उठाना है, दैट मींस बस एक ही बार आपको जो भी ड्रॉ करना है, जलेबियां बनानी है, जो भी करना है तो एक ही बार करना है, उसको पेन को उठाना नहीं है अपने पेपर से। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये पजल समझ में आ गई। अब आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, मैं चाहती हूँ कि आप इसको जरा एक दो मिनट के लिए सोचें कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप प्लीज जरा ड्रॉ करके देखें, मेरे को बताएं कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कमऑन कमऑन, जस्ट ट्राई इट आउट, जस्ट ट्राई करें। एक प्लेन पेपर, उसको 7 भागों में आपको डिवाइड करना है, उसमें आपको 7 से कम फिगर्स जो है ड्रॉ करनी है और आपको अपना पेन या पेंसिल जो है पेपर से लिफ्ट नहीं करना है। साउंड्स कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही मुश्किल लग रही है ये बात, बहुत ही मुश्किल लग रहा है ये काम। और मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि पास्टर नहीं तो इसके लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए, इसको सोचने के लिए, इसको ट्राई करने के लिए, इसको यू नो ड्रॉ करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा। तो अगर आप हमें टाइम देते तो शायद हम आपको इसका जवाब दे देते, शायद किसी से हम गुफ्तगू कर लेते, शायद किसी से पूछ लेते, शायद हम गूगल सर्च कर लेते, शायद किसी भी तरह हम जवाब निकाल लेते। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे। बट चले, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आपको चाहिए एक पेन और आपको चाहिए एक स्केल, और मैंने कोशिश की यहाँ पर कि मैं आपके लिए ये बना कर लाऊं, और ये मेरे पास जो अवेलेबल है ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ पेपर जो कि 7 भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। इसमें प्लेन लाइंस हैं जो कि बहुत ही सिंपल थी, और करना क्या था आपको, आपको स्केल रखना था, स्केल रख के लाइन ड्रॉ करके उसके लास्ट में जाके नीचे करके फिर लाइन ड्रॉ करके फिर नीचे जाके फिर लाइन ड्रॉ करके, यानी कि ना तो आप अपने स्केल को उठा रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आप अपने पेन को उठा रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट वॉज सच अ सिंपल सोल्यूशन टू सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग।
अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर नहीं, तो आप हमें सिखाना क्या चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से या इस पजल से, आप बताना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताने जा रही हूँ कि कई बार लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। आई अग्री, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिसके पास जो प्रॉब्लम होती है उसको वो बड़ी ही लगती है, और होती भी है एट टाइम्स। तो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि जो हमारे सामने सिचुएशन है वो बड़ी है, तो उसका आंसर, उसका सोल्यूशन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, वो भी मुश्किल ही होना चाहिए, वो भी मुश्किल से ही पाया जाना चाहिए, वो भी उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत पड़नी चाहिए, या उसके लिए भी कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़नी चाहिए जो जो हमने पहले नहीं किया, या बहुत मुश्किल है, या बहुत डिफिकल्ट है, सो टू परसीव। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमें कुछ एक इतनी सिंपल और इतनी पावरफुल चीज बता देता है, एक ऐसा हथियार हमारे हाथ में दे देता है जो कि स्पिरिचुअल वेपन है, और उससे हम अपनी हर कॉम्प्लेक्स, हर मुश्किल, हर डिफिकल्ट सिचुएशंस को आसानी से, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो बोले हम तैयार हैं। कम ऑन, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, आप बोल सकते हैं यस आई एम रेडी। आप लिखें जरा, कम ऑन, आई नीड 10 पीपल एटलीस्ट टू राइट कि यस वी आर रेडी। 10 पीपल, 12 पीपल, हाउ मेनी पीपल, इफ यू आर रेडी टू हियर दिस आई विल जस्ट शेयर इट विद यू। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, इफ यू आर रेडी जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड से आई एम रेडी टू हियर। अगर आप रेडी हैं तो लिखे कि यस आई एम रेडी टू हियर दिस। कम ऑन, यस सिस्टर एनी, आई नो यू रेडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर सिस्टर एनी, थैंक यू फॉर शरनाज जी, थैंक यू फॉर ज्योति जी, वाओ वंडरफुल, लियो जी थैंक यू फॉर योर लाइफ, सरभ जी जी रेडी, यस यस यस, थैंक यू लॉर्ड, संतोष जी वाओ यस यू रेडी पीपल, यस बल्दीना जी यू आर रेडी, स्वाति जी यू आर रेडी, यस रेडी टू हियर एंड आई एम रेडी टू शेयर दिस विद यू। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, मती की अंजील पढ़ते हैं, तो वहां पर चैप्टर 4 में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इब्लीज ले जाता है, इब्लीज करता है उनकी परीक्षा, जब प्रभु को पवित्र आत्मा तैयार करके लेकर आते हैं। तो आप बोलेंगे पास्टर नहीं तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जो आपको नहीं पता है या जो आप भूल गए हैं, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूं, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल पीपल ऑफ गॉड। ओके, देखिए यहां पर पहली आयत में जब बात होती है तो सबसे पहले शैतान क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह को कि अगर तू प्रभु का बेटा है तो इन पत्थरों को कह दे कि वो रोटी बन जाए, और तू ऐसी बात को डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जिंदा रहता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के साथ जिंदा रहता है। अब यहां पर प्रभु ने इसको क्या कहा, लिखा है। उसके बाद अगली बात वो फिर कहता है परमेश्वर के सामने कि अपने आप को नीचे गिरा दे, ऊंचे पे ले जाकर कहते हैं नीचे गिरा दे, वो कहते हैं कि लिखा है। ओके, नाउ जो चीज मैं आपको समझाने जा रही हूं वो ये, देखिए प्रभु यीशु मसीह तैयारी के साथ आए थे। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर पवित्र आत्मा के साथ भरे हुए आए थे, और वो जानते थे कि अगर कोई बात होगी तो मैं उसका सामना वचन की तलवार के साथ करूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 में, अगर आप वर्स 17 को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात लिखी गई है, वर्स 16 को राधा, जब आप पढ़ते हैं, आप शुरू करते हैं 16-17 को, तो 17 में ये बात कही गई है उसके सेकंड पार्ट में कि हमारे पास वचन है। वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। तो आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, इसको लेकर हम क्या करते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। सो होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जितनी बार भी लिखा है का जिक्र किया, अब ये रोटियां वाली जो बात है कि पत्थरों को कह दो कि रोटियां बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह हो सकता था सोचने लग जाते कि ओहो अब इसका मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, लिखा है, क्योंकि उनको पता था कि ड्यूटरोनॉमी में ऑलरेडी 8 चैप्टर की 3rd आयत में ये बात लिखी हुई है। जब आप देखें क्या लिखा है 3rd आयत में 8:3 ड्यूटरोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखे भी होने दिया, फिर वे मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के साथ जिंदा रहता है। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर नीतू हमें तो पता ही नहीं होता कौन सा वचन कहां पर लिखा है,
हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें शैतान का सामना करना पड़े, तो हम कौन से वचन से करें। देखिए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वचन में लिखा है। आपको ये पता लगना जरूरी नहीं है, ये मेमोराइज करना जरूरी नहीं है कौन सी वचन में, कौन सी आयत में, कौन से चैप्टर में, कहां पर लिखा है, कौन से पेज में। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट, नंबर वन। नंबर टू, जो भी वचन आप पढ़ते हैं उस वचन के ऊपर मनन करना शुरू करें, उस वचन के ऊपर बैठकर परमेश्वर से मेडिटेट करना शुरू करें और उसे अपना पर्सनलाइज्ड वचन बना लें। यहां पर ये बात एक नॉर्मल बात लिखी हुई है, अगेन आई विल रिइटरेट, ये लिखी हुई बात है, पर प्रभु यीशु मसीह ने इसे पर्सनलाइज्ड बात बनाकर उस वचन की तलवार को इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो क्या होता है जब शैतान आपको ये बात बोले कि तू माँ नहीं बन सकती, फॉर एग्जाम्पल, या आपके 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 माइंड में आया कि आपकी वाइफ माँ नहीं बन सकती, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे लिखा है। देखिए, जैसे भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 128 की थर्ड आयत में लिखा है, क्या लिखा है? योर वाइफ विल बी लाइक अ फ्रूटफुल वाइन, तेरी वाइफ क्या होगी? एक फलवंत दाखलदा की मानित होगी तेरे घर के अंदर, और जो तेरे बच्चे हैं तेरे मेज के आसपास ऑलिव ब्रांचेस की तरह होंगे। सो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लिखा है कि मेरी बीवी परमेश्वर की ओर से फलवंतता के लिए बनी, और वो एक फलवंत वाइन है। शी इज अ फ्रूटफुल वाइन विद इन माई हाउस। सो यू डोंट हैव टू यू नो मेंशन, ओहो कहां लिखा था, पता नहीं कुछ तो लिखा था। आपको कब याद आएगा? जब आपने पढ़ा था, जब आपने सुना था, तब वो आपके जहन में रह जाएगा। जब वो आपके जहन में रह जाएगा, वो आपके दिल में उतर जाएगा। जब वो आपके दिल में उतर जाएगा, तो वो आपके दिल के खजाने में से बोला जाएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, कोई भी डिवाइन हथियार जो है वो वहां से स्वर्ग से इंपोर्ट नहीं करवा लिया कि ओहो आई नीड टू हैव दिस क्योंकि शैतान मेरे सामने खड़ा है, चलो जी मैं फलाना हथियार मंगवा लूं, मैं फलानी चीज मंगवा लूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही इस्तेमाल किया जो आज मेरे और आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए है, और वो है परमेश्वर का जिंदा वचन, परमेश्वर का वो कलाम जिसमें आज हम भी यही कह सकते हैं शैतान को कि लिखा है, लिखा है। जब वो आपको बोले तुझे हीलिंग नहीं मिल सकती, जब वो आपको बोले तो बीमार ही रह जाएगा, परमेश्वर को तेरा ख्याल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं चंगा होऊंगा क्योंकि लिखा है। जैसे यर्मिया की किताब उसके 30th चैप्टर की 17 आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहते हैं आई विल रिस्टोर यू टू गुड हेल्थ एंड हील योर वूंड्स डिक्लेयर्स द लॉर्ड। तो आप बोलेंगे लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो जब आप लिखा है का वो वचन का, वचन की तलवार, स्पिरिट की जो तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपके सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकेगा। और ऑब्वियसली जो शैतान की आफतों की तरफ से, उन बलाओं की तरफ से आपके ऊपर जो चीजें भेजी गई हैं, वो भी कहां स्टैंड कर पाएंगी जबकि आप लिखा है का वचन का जो बात है वो कहेंगे। आमीन। देखिए, एक चीज और आपको बताऊं, यहां पर जब आप देखते हैं 5th आयत में संत मत्ती रचित सुसमाचार की बुक अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू, इसके 5th में देखे लिखा है, तो यहां पर इब्लीस भी क्या बोल रहा है, शैतान भी क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि आपके बारे में ये लिखा है कि अगर आप अपने आप को गिरा देंगे तो परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे आपके निमित्त कि वो आपको हाथों हाथ उठा लें। तो वो क्या, वो भी कोट कर रहा है, वो भी वचन को कोट कर रहा है। और जैसे भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 उसकी 11th और 12th आयत में लिखा हुआ है, तो वो उसी चीज को कोट कर रहा है। लेकिन एक चीज का फर्क है परमेश्वर के वचन को बोलने में और शैतान का वचन को बोलने में, दोनों में फर्क है। और फर्क ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब उस वचन को बोल रहे हैं, वो उस अथॉरिटी को जानते हैं जिस अथॉरिटी में वो उस वचन की तलवार को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी शैतान के पास नहीं है, वो अथॉरिटी शैतान के पास नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू सेकंड पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि आपको वचन पता हो सकता है लिखा है,
पर जब तक आपको उस वचन की रेवलेशन नहीं पता है, जब तक आपको ये नहीं पता है कि वो वचन आपकी लाइफ में एक्चुअली काम कर सकता है, तब तक वो वचन काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको समझा रही हूं, आपके पास कुछ आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में, आपको कुछ अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। क्या करने की जरूरत है? जो आपके पास प्रोवाइडेड है, जो आपके पास है, जो आपको दे दिया गया है, उसी को यूज करना है। हालेलुया। तभी मैंने आपको शुरू में बताया, जब आपके साथ मैं इस पजल को कर रही थी, मैंने आपको यही बात बताई कि कई बार हमारा माइंड इतना कंडीशनड हो जाता है कि हम मुश्किल हालातों को, मुश्किल परिस्थितियों को, मुश्किल चीजों को मुश्किल आंसर्स से ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट परमेश्वर के वचन में हमारे लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन है, लिखा है। और लिखा है कब? जब यू नो द अथॉरिटी दैट यू आर यूजिंग दिस इन, यू नो द रेवलेशन ऑफ द वर्ड। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वचन की। देखिए, शैतान के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है उस वचन की, आपके और मेरे पास रेवलेशन है उस वचन की कि वो वचन हमारे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दिस डे। और देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 पढ़ते हैं, उसकी वर्स 17 में क्या लिखे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे, ये साइंस होंगे। कौन से साइंस होंगे? उसमें लिखा है कि वो बदरूहों को निकालेंगे, वो विष वाली चीजें भी पी लेंगे तब भी नहीं उनकी कोई हानि होगी, वो सांपों को उठा लेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। तो अलग अलग क्राइटेरियाज दिए गए। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नया विश्वासी, पुराना विश्वासी, 2 साल पुराना विश्वासी, 10 साल पुराना विश्वासी, पादरी जी, अपोसल जी, प्रॉफिट जी, प्रीचर जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा। हर एक के विश्वास करने पर, उसके साथ जो किया जाएगा, उसके द्वारा जो किया जाएगा, दैट इज व्हाट द वर्ड डिक्लेयर्स। पीपल ऑफ गॉड, व्हाट आई टुडे वांट टू टेल टू यू इज, डू नॉट कीप रनिंग टू पीपल। सारा टाइम दूसरों के पीछे भागते ना रहे, ओ फलाना हमारा कोई कुछ कर दे, ओ टिमकाना हमारा कोई कुछ कर दे। स्टैंड इन द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड एंड यूज द वर्ड, द पावर दैट हैज बीन गिवन टू यू थ्रू द माइटी स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आपको वचन दिया गया है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी गई है, एंड दिस इज वॉट यू नीड इन योर लाइफ। सब लोग साथ छोड़ जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, पर एक चीज स्थिर है और वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा की फेलोशिप, यही स्थिर है। दिस इज द ओनली थिंग स्टेबल। तो क्यों भागते हैं लोगों के पीछे? क्यों अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ते आप? क्यों अपनी लड़ाइयों को लड़ने से डरते हैं आप? आपको लड़ना क्या है? आपको सिर्फ यही तो करना है कि वचन को सीखना है, वचन को पढ़ना है, वचन को इम्बाइब करना है, वचन को सुनना है और उसे अप्लाई करना है। आज प्रॉब्लम पता क्या है? आज प्रॉब्लम यह है कि विश्वासी सुनते बहुत ज्यादा है, परमेश्वर के लोग सुनते बहुत ज्यादा है पर अप्लाई नहीं करते। सुनते बहुत ज्यादा, एंजॉय बहुत करते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, आई हैव प्रॉब्लम्स टू, आई हैव डिफिकल्टीज टू, बट आई डोंट से के यू नो मैं फलाने से जाके सोल्यूशन लेने की कोशिश करूं, मैं उससे जाके सोल्यूशन लेने की कोशिश करूं। आई जस्ट सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड आई से, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि इस चीज का ये सोल्यूशन है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, एंड दैट इज वेयर आई रिसीव माई सोल्यूशन फ्रॉम द लॉर्ड। Wherever I don't know what to do, मैंने एक वीडियो भी निकाली थी। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हैं, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज उसे फॉलो करें। वहां पर हम रील्स हर दिन, ऑलमोस्ट यू नो एवरी सेकेंड डे, हम एक एक मिनट से भी कम की रील्स डाल रहे हैं, एंड पीपल आर गेटिंग इमेंसली ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसमें, उस एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ ना सूझे, कुछ ना पता चले, कुछ नहीं आपके माइंड में आता कि कैसे आपको सोल्यूशन चाहिए, कैसे आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, बस अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद और जय जयकार करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इज़राइल के गीतों के सिंहासन में विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। He dwells in the praises of his people. So इसलिए, तो if you have not gone through that, please do follow us on Instagram, which is neetupchaudhary.official. तो उस पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। But what my point is, जो मैं आपके साथ बात कर रही हूं, कि प्लीज हर छोटी छोटी चीज के लिए ना भागा करें।
हर छोटी छोटी चीज के लिए ना उत्तेजित हो जाया करें. जस्ट सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे. अब आप बोले जी हमारे पास तो पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, हमें और मांगने की क्या जरूरत है, हमें और कहने की क्या जरूरत है. तो जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा में होकर बैठेंगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा. देखिए अंदर होने में और उतरने में दो अलग अलग बातें हैं. तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतरता है तब आप पावर पाते हैं, तब आप करेज पाते हैं, तब आप स्पिरिचुअल बोल्डनेस पाते हैं और तब आप उन बातों को कह सकते हैं. वो क्या है? यू कम अंडर द अथॉरिटी, यू कम अंडर द सबमिशन ऑफ गॉड. और जैसे जेम्स 4:7 में लिखा है कि सबमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा. तो क्या करते हैं आप जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, भर जाते हैं, यू आर इन द स्पिरिट, यू आर ऑल बोल्ड इनफ टू फेस द डेविल. और तब आप अपने इस हथियार को इस्तेमाल करें जो आपके पास स्पिरिचुअल हथियार है, स्पिरिचुअल वेपन है, और शुरू हो जाए और कहे लिखा है, लिखा है, लिखा है. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने और कोई एग्जाम्पल नहीं दिया. अगर वो कोई ऐसी चीज लेकर आते जो आप और मैं इस्तेमाल ना कर सकते या एक्सेस ना कर सकते तो हम सोच सकते थे कि ओहो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो स्वर्ग में रहती हैं, वो चीजें वो तो स्वर्ग में है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे करें. पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए मुहैया करवा दिया है. ही हैज मेड इट अवेलेबल फॉर अस. जस्ट थिंक अबाउट द पीपल जिनके पास वचन ही नहीं है. Just think about those places जहां पर लोग वचन पढ़ ही नहीं सकते हैं, but वहां पर भी उनमें इतनी भूख है क्योंकि वो जानते हैं कि इस वचन के द्वारा उनकी जिंदगियां बदली जा सकती हैं, उनके complex situations को simple solutions मिल सकते हैं. It's only the word, it's only the power of the Holy Spirit, it's only the Lord who can make this happen for you, people of God. Do your part, अपना पार्ट करें, let God do His work. अगर आप बीमार होते हैं और अगर आप डॉक्टर पर जाते हैं तो आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है और आपको कहता है कि ये दवाई किस हिसाब से लेनी चाहिए. आप उस दवाई को उस हिसाब से लेते हैं तब वो दवाई काम करती है. सो इट्स अ पार्टनरशिप. आप उस दवाई को खाएंगे नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाकर बोलेंगे कि हाँ जी डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं आया, क्या करें. तो डॉक्टर कहेंगे दवाई का क्या किया, वो तो मैंने घर जाके रख दी थी, वो असर नहीं करेगी. आप वचन सुनते हैं, आप वचन ग्रहण करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पर मेडिटेट करते हैं, तो उसको अप्लाई भी तो करें ना. उसको बंद करके रखने का कोई फायदा नहीं है. आई वॉन्ट टू शेक यू टूडे पीपल ऑफ गॉड. मैं आज आपको शेक करना चाहती हूं, आज मैं आपको हिलाना चाहती हूं परमेश्वर की तरफ से. आज मैं आपके आत्मा को हिलाना चाहती हूं ताकि आने वाले दिनों के लिए आप तैयार हो जाएं, जबकि आपको पता है कि हमारे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग वर्ड. मैं कलीसिया में बता रही थी, हमारे कॉन्ग्रीगेशन में ये बात शेयर कर रही थी. हो सकता है आप में से कईयों को पता हो, लेकिन कईयों को नहीं भी पता हो सकता. सो एक चीज जो मैं बता रही थी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. वचन में भी दो डिफरेंट बातें हैं. एक जो लिखा हुआ वचन है उसको लोगोस कहते हैं और जो रिवील्ड वर्ड है उसे रहमा कहते हैं. जब वो वचन, लिखा हुआ वचन आपकी लाइफ में रिवील हो जाता है, उसकी रेवलेशन आ जाती है, उसकी समझ आ जाती है, उसकी आपको अप्लाई करने की अकल आ जाती है, दैट इज व्हेन द वर्ड विल स्टार्ट वर्किंग इन योर लाइफ. लिखा है तो उसने भी बोला ना, शैतान ने, उसने भी बोला तेरे बारे में लिखा है, तो पता तो उसको भी है ना लिखा है, पर वो अप्लाई नहीं कर सकता. प्रॉब्लम सिर्फ ये है आप और मैं अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज वेयर द एडवांटेज इज. हालेलुया. सो आज इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ. आई डोंट नो, आई एम फीलिंग सो जॉयफुल इन माई स्पिरिट एंड दिस इज अ मैसेज विच हैज कम डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड टू यू. This is a message which has been directly from the Lord because I was still, you know, asking the Lord, Prabhu, kya share karna chahte hain? What is it that you want me to speak to your people this day? Kya baat karun? And this is directly from the Lord. Believe me if you can. Hallelujah. Parmeshwar ka dhanyavaad dete. Aaiye is samay prarthna karte hain. Agar aap taiyar hain prarthna ke liye, to apne haathon ko uthaye aur Parmeshwar ka dhanyavaad de. Jis jagah par bhi aap hain, us jagah par Parmeshwar ke नाम को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को उठाएं. जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, लिफ्ट अप योर होली हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड आई
personally believe, I believe it so much, and I believe and I know this, that the presence of the Lord is engulfing you in the place where you are. प्रभु का पवित्र आत्मा आपको जिस जगह पर आप हैं वहीं पर आपको सराउंड कर रहे हैं और इस समय आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों के नजदीक पहुंचेगी, परमेश्वर के दिल के करीब पहुंचेगी। और जब आज आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में परमेश्वर देंगे, वो प्रार्थना जो कि परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार होगी। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। हालेलुया, जिंदा खुदा, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, महिमा से भरे हुए हमारे खुदा, आपको सारी बुजुर्गी सारा जलाल देते हैं। अब्बा, इस समय प्रभु जी मैं हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने आज का इस ये वचन सुना है, जिन्होंने आज के इस वचन से प्रभु अपनी खुराक पाई है, उनकी आत्मा ने एक नया जोश पाया है, उनके आत्मा में प्रभु आज आपने कुछ हिला दिया है ताकि प्रभु वो अपने लिए खड़े हो जाएं, आपके राज्य में एक मजबूत पिलर की मानद खड़े हो जाएं। और प्रभु जी आज आपके पवित्र नाम में जो आपने उनमें डाउनलोड किया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। इस समय जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया हुआ है, जितने लोग प्रभु आपका धन्यवाद दे रहे हैं, जितने लोगों ने भी परमेश्वर आपके नाम को पवित्र जानकर अपने पवित्र हाथों को उठाया है, होने दे मेरे जिंदा राजा, आपका हाथ उनके हाथों पर आ उतरे और परमेश्वर उनकी बीमारियां, उनकी तकलीफें, उनकी इलनेस, उनकी सिकनेस प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे और प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में दिखाई दे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, पिछले हफ्ते आपने जो दुआएं हमारी सुनी और प्रभु आपने अनगिनत लोगों को यूरिनरी इंफेक्शंस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी स्टोन से निजात दी, जिसका प्रमाण प्रभु अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने दिया, उसकी सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं। प्रभु इट इज जस्ट योर डूइंग लॉर्ड, इट इज नथिंग टू डू विद एनी ह्यूमन बीइंग, इट्स योर डूइंग मास्टर, धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय भी हर एक बीमार पर, हर एक प्रभु ऐसी बीमारी पर जहां पर डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि वो चंगे नहीं हो सकते, या डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है कि वो प्रॉब्लमैटिक है, मैं प्रभु यीशु के नाम से इसी समय इस वचन को बोलती हूँ जो कि यर्मिया 30 के 17 में है, जो कि प्रभु आप कहते हैं दैट यू आर द लॉर्ड हु विल रिस्टोर द हेल्थ ऑफ योर पीपल एंड हील देयर वुंड्स। प्रभु आई स्पीक दिस डिक्लेरेशन व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यू, आई स्पीक दिस डिक्लेरेशन इनटू दोज सिक बॉडीज, आई स्पीक दिस डिक्लेरेशन इनटू दोज एलिंग बॉडीज, और दर्द वाली जगह प्रभु यीशु के नाम से चंगाई पाएंगे, मेरी इस समय प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं जिंदा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू द ग्लोरी मास्टर। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन, आज की ये बातें, आज की ये पजल आपकी लाइफ में ज़रूर बरकत को लेकर आएगी। और अगर आज आप इस वचन से मुतासिर हुए हैं, अगर आज इस वचन से आपने बरकत हासिल की है, तो प्लीज़ डू राइट टू अस एंड टेल अस व्हाट हैव यू लर्न्ड। मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमें कि आज के वचन से आपने क्या सीखा, और स्पेशली नॉट जस्ट ऑन फेसबुक, बिकॉज दैट टाइम्स यू नो वी आर नॉट एबल टू चेक फेसबुक बिकॉज there are thousands and thousands of messages on Facebook. मैं चाहूंगी कि आप एक personal message या एक audio message हमें हमारे WhatsApp numbers पर भेजें। WhatsApp numbers आपके पास available है हमारे Facebook पेज पर, Dr. Neetu P. Chaudhary official पेज पर। But अगर आपके पास अभी नहीं है और आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। India का number है 7508 292916। Okay, 7508 292916, तो ये नंबर है जो हमारा इंडिया का नंबर है व्हाट्सएप का, और दूसरा नंबर है 8968 6 8 6 8 9 6 8 6 4 2 4 9 5। ओके, फिर से नोट कर लीजिए 8 9 6 8 6 4 2 4 9 5, ये भी नंबर है हमारा व्हाट्सएप का, और 7508 292916, ये भी नंबर हमारा व्हाट्सएप का है। तो मैं चाहती हूं कि आप एक पर्सनल मैसेज भेजें, जो आपने आज के इस मैसेज से सीखा है, जो आज के इस लाइव सेशन में आपने सीखा है, आप जरूर बताएं कि आपको कैसे परमेश्वर ने उन्नति दी है, कैसे परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो करने के लिए ये मैसेज को यूज किया है। प्लीज डू शेयर विद अस, और ये मेरी टीम के पास पहुंचेंगे मैसेजेस, और जो मैसेजेस आपके ऐसे मैसेजेस होंगे जो मुझ तक पहुंचाने वाले होंगे, सो दे विल फिल्टर आउट दोज मैसेजेस
एंड दे विल शेयर देम विद मी जब मैं उनके साथ प्रेयर टावर में होंगी. सो आई विल हियर योर मैसेजेस, मैं आपके मैसेजेस सुनूंगी, मैं आपके मैसेजेस पर्सनली पढ़ूंगी और आपके लिए दुआ भी करूंगी. सो यू कैन प्लीज शेयर योर टेक ऑन दिस मैसेज टुडे. बहरहाल आज के लिए बस इतना ही. आप अपनी गवाहियों को भी हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर भेज सकते हैं. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एक वीडियो डालने वाले हैं उस पर कि क्या परमेश्वर के नबी झूठ बोल सकते हैं. ओके, आई विल रिपीट दिस. क्या परमेश्वर के भविष्यवक्ता भरमाए जा सकते हैं, इस पर एक वीडियो हम डालने जा रहे हैं इन्हीं दिनों में. सो अगर आपने हमारे YouTube के चैनल नीतू पी चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, औरों से भी आप रिक्वेस्ट करें और उनको इनकरेज करें कि वो इसको करें, ताकि वो लोग भी इन मैसेजेस को सुन पाए जो नए मैसेजेस हम डालते हैं. और इंस्टाग्राम पर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिनट से कम की रील्स हम डाल रहे हैं कुछ कुछ दिनों के बाद, और वो परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की ग्रेस से भरी हुई हैं जो कि लोगों की जिंदगी को ब्लेस कर रही हैं. सो आप नीतू पी चौधरी डॉट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को, जो कि डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, अगर इसको अभी तक आपने फॉलो और लाइक नहीं किया तो प्लीज करें, क्योंकि इस पर हर दिन आपके लिए परमेश्वर के नाम में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैसेजेस डाले जाते हैं. सो आज के लिए इतना ही. परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का शालोम, परमेश्वर का जॉय, परमेश्वर की हीलिंग आपके घरों में रहे. और मेरी यही प्रार्थना है कि जब अगले वीक हम लोग मिले तो आपके चेहरों पर परमेश्वर की एक अद्भुत सी खुशी के साथ, एक अद्भुत सी जॉय और आपकी अद्भुत सी टेस्टिमनीज के साथ हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए मिले. सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब पर, आप इन किसी भी चैनल्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम जरूर आपके साथ रابطہ करेगी और आपको रिवर्ट करेगी. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. शालोम.